देखिए, कल का दिन नगोछिया पुलिस के लिए उपलब्धि भरा दिन हम कह सकते हैं। एक मौसम यादव कुख्यात अपराधी है जिसमें हमने फरार घोषित करते हुए इनाम भी घोषित उस पर किया हुआ था। इनामी अपराधी है और कई कांड में वांछित भी था। और ये लगातार सूचना हम लोग को मिल रही थी कि वो खरीक जो रेलवे स्टेशन है उसी के आसपास के इलाके में कहीं कहीं केला खेत में कहीं कहीं वो छिप करके रहता है और कोई कोई अपराध करने का योजना भी बना रहा था। इधर सूचना मिली थी तो हमने SDPO साहब को इस मामले में फोन अप किया था। इनको कहा कि आप पूरा प्लान करके इसे देखें। कल भी सूचना मिली कि वो अभी फिर वो घूम रहा है, तो तुरंत जो है थाना पहाड़ी खरीक और नदी दोनों को टीम बना करके पूरे बल के साथ, उनके साथ और पदाधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर सूबेदार पासवान, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, दोनों खरीक थाने के हैं, और ASI अरविंद कुमार नदी का है, और पूरा बल के साथ पूरा घेराबंदी किया गया। तो बिस्पुरिया गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई। जब उसे सर्च किया गया तो एक ये जो होता है कंट्री मेड पिस्टल और 6 कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। एक कुख्यात अपराधी है, ऐसा आप सबको है ना जानते हैं। इसकी गिरफ्तारी में जो पदाधिकारी हैं हमारे पांचों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उस पांचों को विशेषकर जो सब इंस्पेक्टर सूबेदार पासवान ने, उनकी भूमिका और सराहनीय है। उन्होंने कुछ आगे और बढ़ करके और पहले से भी काफ़ी इस पर काम भी कर रहे थे। अच्छा, ये उपलब्धि बड़ा कल रहा, अच्छा उपलब्धि रहा ये खरी थाने का, थाना नदी का। कितने मामले इंस्पेक्टर थे? 14 इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें हम निर्देश भी दिया है जिन कांडों के ये बेल पर छूटे हुए उन कांडों में इनका प्रस्ताव देंगे बेल कैंसिलेशन का, बहुत जल्द दे देंगे। और जिस कांडों में आपका ये फरार दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है उस कांड में रिमांड किया जाएगा। और साथ ही हम लोग प्रयास करेंगे और निर्देश भी दिया अपने SDPO साहब को, IO को और थाना प्रभारी को भी, ये 7 से 10 दिन में हर हाल में चार्जशीट सबमिट कर देंगे ताकि हम स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा से दिला सकें। ये आपका नदी थाना केस था, वहाँ भी फरार था। जो खड़ी थाना केस था वहाँ भी फरार था। और कई कांडों में ये बेल पर था, तो 3 कांड में ये आपका फरार है, चल रहा था। ये काम किया 22 साल से वो रेप के कांड में वो फरार चल रहा था। अस्थाई वारंट भी निर्गत था उसके खिलाफ। ये गुड्डू राय है, 55 वर्ष उनका है, पिताजी फेकू राय, साकिन सोनवर्षा, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने में जो प्रोफेशनर आशुतोष कुमार है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हम उन्हें भी रिवार्ड देंगे। मतलब 22 साल पुराना अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा जो अंकित कुमार जो इस्माइलपुर मर्डर केस हुआ था, जो इलाज जिसकी चल रही थी, उसे भी प्रॉपरली गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक शराब का कांड में 90-22 केस था कदवा का, उसमें भी गुड्डू राय की गिरफ्तारी हुई है, इसे जेल भेजा गया है। और बीरपुर थाना 556-22 में शराब पीने को लेकर के विपुल कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भी जेल भेजा गया है। कहाँ का रहने वाला है सर विपुल कुमार झा? ये पिता रेवती रमन झा, साकिन भवनपुरा एकरामी का है, थाना भवानीपुर का है। ये भी गिरफ्तार किया गया पीने के आरोप में, इन्हें भी जेल भेजा गया। उसी प्रकार फिर एक वारंट था आपका गिरधारी यादव के विरुद्ध, खड़ी का है वो, उसे भी गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजे। और कल उन्होंने वाहन चेकिंग का वो निर्देश दिया था, सभी थाना प्रभारी वाहन चेकिंग किया है और 8,000 रुपये फाइन एक दिन में फाइन इन्होंने। ये सूचना हम लोग को मिल रही थी कि आपका लतरा गांव में अंकित कुमार है जो शराब का खेप मंगा करके अपने वो जो गुहाल बोलते हैं ना वहाँ पे वो रखा हुआ है। तो हम लोग सूचना मिलते ही गठन किया गया टीम का। उस टीम में हमारे थाना प्रभारी रंगरा, थाना जैसे छुट्टी पर हैं गोपालपुर जो प्रभारी है SI नवीन कुमार वो, और ALTF नगोछिया जयप्रकाश, और DIO की टीम मिल करके रेड किया।
रेड करने पे वहाँ से आपका लगभग आप देख लें कि 375 ml का 312 बोतल, 180 ml का 432 बोतल और 750 ml का 8 बोतल, यानी कुल 200.76 लीटर शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी ने भी अंकित वहाँ से भागने में सफल रहा। हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार भी करेंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये शराब का खेप कहाँ से लाया, ताकि हम उसे भी एक्यूज बनावें। और ये फिर किसे देने वाला था, डिलीवरी पॉइंट क्या है, उसे जांच करेंगे और संधान करेंगे। जिनका भी नाम आएगा वो अच्छा साथ संकलन करेंगे और उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। अंकित गिरफ्तार नहीं हो पाया, वो भाग गया। उसके बाद एक और मैं बताऊँ, उसका मुझे नेम केस किया गया है, उसकी पहचान हो गई है, सत्यापन हो गया है, उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें नेम्ड किया है, 9 लोगों पे नेम्ड किया है। एसडीपीओ साहब वहाँ गए हैं, केस सुपरवाइज किए हैं, वो फिर अपने साक्ष्य के आलोक में जिस पे सत्य पाया जाएगा अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। या हो सकता है कुछ ऐसे अपराधी हों या ऐसे एक्यूज हों जिनका नेम्ड नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य मिले तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई कई केसेस का आपराधिक इतिहास रहा है, इनकी गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण नोशा पुलिस के लिए रही है और हम लोगों का कोशिश होगा इसे हम सजा भी दिलाएं, स्पीडी ट्रायल चलवाएं। सर क्या कह सकते हैं, क्या मकसद था कल हत्या के साथ? देखिए ये अपराधी है, ये हर तरह का अपराध में शामिल रहा है, मर्डर में भी रहा है, रंगबाजी में भी रहा है, रंगदारी मांगना, लूटपाट, हर तरह के अपराध में पुलिस साथ हमला भी ये किया हुआ है, पुलिस फायरिंग भी ये किया हुआ है, वो भी खड़ी थाना में घटना घटी थी। तो ये कुख्यात अपराधी है, तब तो 14 कांड इसका आपराधिक इतिहास है, इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नौचा पुलिस की। उसके बाद फिर एक और सुविधा, तुम हीरो है, अच्छा 2000 दिया वही मीठा लाएगा, जो 2000 लिया वही। ओके